कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बता दीजिए, अब मैं तैयार हूं। रिपोर्ट्स तो आपके ठीक नहीं है माँ जी। कितना समय बाकी है? बहुत ज्यादा दिन तो नहीं ना? क्यों, ऐसा क्यों कहती हैं आप? आप जीना नहीं चाहते? जीने का तो पता नहीं, पर अब और इंतजार नहीं करना चाहती। हेमंत का कोई कॉल नहीं आया? आपने खुद कभी कॉल किया? माँ बेटे के प्यार में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। कैसी दरार, कैसा रिश्ता? रिश्तों की असलियत इतनी ही होती है कि ये अपने सुखों तक ही सीमित होते हैं। चलो, जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। आप कुछ भी कहिए माँ जी, मुझे लगता है कम से कम अब तो हेमंत को आपके पास होना चाहिए। और माँ जी, हेमंत आ रहा है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपकी सारी कंडीशन हेमंत को बता दी। अब तो शायद वो 1 घंटे में पहुंचने वाला होगा। कुछ तो बोल बेटा, फिक्र मत कर, अब मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं बचा। इतनी नफरत बेटा, इतना क्या गुनाह हुआ मुझसे? यही के दुनिया के हर रिश्तों से बढ़कर मैंने तुझे प्यार दिया, और तू बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। कम से कम इतना तो बताओ हेमंत, मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hemant, happy birthday to you. ये क्या माँ? माँ, मेरी बहन क्यों नहीं है? मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, आपने प्रॉमिस किया था अगली बार लाके दोगे, इस बार भी नहीं। आपको याद है माँ, बचपन में हर जन्मदिन पर मैं आपसे कुछ मांग करता था जो आपने कभी नहीं दिया। तू तो पागल ही है बेटा, ये क्या बात हुई? वो गिफ्ट्स तो देने वाले भगवान के हाथों में होते हैं बेटा। जी माँ, जब भगवान के दिए हुए तोहफे का निरादर करते हैं ना, तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। हाँ माँ, मुझे पता चल चुका था। यही के मेरे आने से पहले
आपने दादी की बात मानकर भगवान के भेजे उस तोहफे का, मेरी बहन का आपने कत्ल कर दिया। और उस पल मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, एक ऐसी कड़वी सच समझ आ गई कि आप इंसान से नहीं उससे मिलने वाले सुखों से प्यार करते हो। और इस सौदेबाजी में किसी की जान भी ली जा सकती है मां, रिश्तों की अहमियत इतनी होती है कि वो अपने सुखों तक ही सीमित होते हैं। सच तो यही है मां कि आपने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया और उस पल मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर मेरी शादी हो गई उस परिवार के साथ जिन्होंने भगवान के भेजे उस तोहफे को मेरे लिए संभाल के रखा था, और वो दूसरा पल आया मां। लक्ष्मी मां बनने वाली थी और एक बार फिर मां मैं आपकी आंखों में वही झलक देखा, और इस बार मैंने भी एक रिश्ता खत्म कर दिया। तू अकेला आया बेटा? नहीं मां, रुको। लक्ष्मी, उम्र गुजर गई लेकिन सब में उस एक को देखना ना आया। आज मेरे दिल से ये दुआ है बेटी, मेरे साथ मेरी नजर का हर फर्क मिट जाए, सदा खुश रहे। आज मेरा इंतजार खत्म हो गया है बेटा, मुझे खाली हाथ लौटने से बचा लिया। नहीं मां,